नमस्कार दोस्तों, आज इलेक्ट्रिसिटी के पहले एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट, वोल्टेज और उसके एम्पियर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडस्ट्रीज को रिलेट करते हो और मेरी चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव होते हैं, जबकि प्रोटॉन बाइंडेड कंडीशन में होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं, उनका सेंटर से जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उससे अट्रैक्शन बहुत कम होता है और वो अपने न्यूक्लियस से अलग हो जाते हैं, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही है जो इलेक्ट्रिसिटी का वहन करते हैं, मतलब जो मटेरियल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वह कंडक्टिव मटेरियल कहलाएगा, जैसे कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम। और जिन मटेरियल में यह फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे इंसुलेटर कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जैसे कि रबर, ग्लास और प्लास्टिक। हम यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सभी डायरेक्शन में सेम है। अगर हम यह क्रॉस सेक्शन को बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, तो उसकी नेट क्वांटिटी जीरो होती है, मतलब जितने इंसर्ट होते हैं उतने निकल जाते हैं। पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोटॉन की मूवमेंट का रिजल्ट है, मतलब प्रोटॉन के पास होने से करंट प्रोड्यूस होता है। पर जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की तो यह क्लियर हो गया कि करंट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से पैदा होता है, तो सभी थियरी गलत हो गई। और उसको सही करने के लिए बस इतना करना था कि जो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन है, मतलब जो पहले की करंट डायरेक्शन है, उसको ऑपोजिट करना था और प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन को देनी थी। पर घूम फिर के तो बात वहीं पे आती है कि करंट की डेफिनेशन क्या है। किसी भी क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जो भी इलेक्ट्रॉन चार्ज पास होते हैं उसे करंट कहते हैं। मतलब सिंपल है यार, अगर वायर में एक सेकंड में एक कूलम चार्ज पास होता है तो उसे एक कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अरे लेकिन चार्ज मतलब क्या यार? तो चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग फ्रॉम क्रॉस सेक्शन। अबे ओ, हिंदी में बताना। अरे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो किसी वायर से या किसी एरिया से पास होती है। अबे उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे यार, ये भी देख लेते हैं। चलो, अगर किसी 5 एम्पियर के बल्ब को 1 घंटा चलाएंगे तो कितना एम्पियर कंज्यूम करेगा? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पे क्यू इज इक्वल टू एन ई है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से 1.125 × 10^22 इलेक्ट्रॉन उसमें से पास होंगे। अब ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसको आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई टॉर्च चालू है जिसका पावर कंजप्शन 64 mA है और वो 10 मिनट चलती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हुए हैं कमेंट में बताना मत भूलिए। अगर पानी से भरे 2 ड्रम को इंटरकनेक्ट किया जाए और दोनों का लेवल अलग अलग है, तो वो दोनों को इक्वलाइज करने का ट्राई करेगा। यही कंसेप्ट से मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सिखाऊंगा। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज के पास लाएंगे तो वह अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा, जो कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसके सामने हमें काम करके, मतलब फोर्स करके, उसको किसी डिसाइडेड पॉइंट पर लाना पड़ेगा, तभी तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसे हम वोल्टेज कहते हैं। पर घूम फिर के बात वही आती है, डेफिनेशन क्या है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसे वोल्टेज कहते हैं। दोस्तों, हमारे घर में जो करंट आता है उसका रेटिंग 50 एम्पियर, 50 एम्पियर, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।